हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। आपने अभी तक हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट करो गाइस, क्योंकि आने वाले टाइम में चैनल बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाला है आपको। क्योंकि जो भी हमारे बिल्डिंग का डिज़ाइन हो, RCC डिज़ाइन हो, प्लानिंग हो, एस्टिमेशन हो, बिलिंग हो, जो जो आपको सपोर्ट चाहिए वो इस चैनल के ऊपर आपको मिलेगा गाइस। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ली है गाइस। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो आता हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइस, और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करो गाइस, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मेरी तरफ से मिलेंगे गाइस। तो गाइस, अगर आप डिज़ाइन में इंटरेस्टेड हो, प्लानिंग में इंटरेस्टेड हो, या फिर एस्टिमेशन और क्वांटिटी में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो रिगार्डिंग RCC वर्क, जो कि RCC हमारे हाई राइज बिल्डिंग होते हैं या फिर हमारे जो घर के प्लॉट होते हैं उसके बारे में आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें फ्रीली कॉल कर सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सएप को मुझे मैसेज कर सकते हो कोई डाउट हो तो, वहाँ पर मैं फ्रीली आपके डाउट क्लियर करूँगा गाइस। जो भी प्रॉब्लम हो, एस्टिमेशन में हो, प्लानिंग में हो, डिटेलिंग में हो, या फिर RCC ड्राइंग के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ डिस्कस करना गाइस, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा गाइस। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो गाइस, थैंक यू। तो आज वीडियो एंडिंग तक देखना, आखिर तक देखना, क्योंकि एंडिंग में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ एज अ साइट इंजीनियर, आपको बहुत ही काम आएगी इस साइट पे। तो लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कि साइट इंजीनियर से जो भी साइट वर्क पे थंब रूल्स होते हैं उसके बारे में, या फिर जो भी कैंटिलीवर सेक्शन है वो कैसे शॉर्टकट ट्रिक से आपको समझने, या फिर आपको जो भी कैंटिलीवर्स में उनके बीम बॉटम, बीम टॉप, और जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है मैं आपको बताऊंगा एंडिंग में। तो एंडिंग तक आप ज़रूर वीडियो देखना गाइस, क्योंकि और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे बीम 1010, 114 और 109 के बारे में। इसमें 109, 110 सिमेट्रिकल है, बाकी भी 56 और भी 39 हिडन बीम्स हैं हमारे। इसमें देख सकते हो आप 1010, ओके यहाँ पर लिखा है 1010 और 109, 230 by 600 स्ट्रेट बार, इसके 16 के दो बार, फिर 10 के दो बार, और फिर हमारे स्टीरफ से जो कि 8 legs, 2 legs स्टीरफ्स, 80 mm 5 bar, 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो इसमें आप देख सकते हो 109 और 110 में आपको ए स्पेसिंग देनी है। अगर इसका सेक्शन देखा जाए तो 10 स्टीरफ्स में देखेंगे आप जो कि है हमारे स्पेसिंग यहाँ पर देनी है आपको। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे जो कि 109 और 110 का बीम है उसकी जो स्पेसिंग है स्टीरफ्स के बारे में। ये देखो, इसका जो डिज़ाइन है और नॉमिनल स्टीरफ्स है वो 2 legs स्टीरफ्स, 150 और 200 mm सेंटर टू सेंटर है। अगर इसके सेक्शन देखा जाए तो आपको जो बीच में वो स्पेसिंग ज़्यादा लेनी है, यानी कि बीच में होगा 200 mm सेंटर टू सेंटर स्टीरफ, और साइड में होगा हमारा सपोर्ट के पास होगा 150 mm, यानी कि 6 inches सेंटर टू सेंटर। ये आप डिटेल में देख सकते हो गाइस, ये हो गया 1010 और 109 का हमारा। तो आज डिस्कस करेंगे बाकी के बीम्स भी हम। तो गाइस, हमारे जो हिडन बीम्स है उसके बारे में देखेंगे हम। यहाँ पर है बी 100 और उस साइड में है बी 100 और उसके साइड में है बी 99, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है।
सॉरी 153 है, 153B100। तो इसका कैसे होता है हम देखेंगे किंगडम बीम्स के बारे में, जो कि आपको मिलेंगे यहाँ पे हिडन बीम्स, यहाँ पर ही मिलेंगे वो। देखिए यहाँ पर है B100, ओके, उसका 10 mm टॉप एंड बॉटम, बाकी 150 mm सेंटर टू सेंटर, टू लेग स्टीरअप्स, 8 mm हाई बार, हिडन बीम्स है दोनों भी, ओके, B99 और B100। तो गाइस आपके मन में एक डाउट होगा कि ये हिडन बीम्स क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो इसका कंसेप्ट जो है, जो भी हिडन बीम्स हैं हमारे ए वाले हिडन बीम्स, वहाँ पर उसके ऊपर वाल होती है हमारी, जो कि वाल होती है उसका जो लोड होता है उस बीम के ऊपर आता है गाइस, हिडन बीम्स के ऊपर, इसलिए हम वहाँ पर हिडन बीम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हो गए हमारे टेरेस, या फिर हमारा जो टॉयलेट बात का है उसके ऊपर एक वाल है, इसलिए आपको यहाँ पर हिडन बीम्स प्रोवाइड किया है गाइस, यहाँ पर भी हिडन बीम्स। मैंने इसके पहले वीडियो पे भी डिस्कस किया उसके बारे में, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए गाइस एक बार, वहाँ पर हिडन बीम्स के बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बना है, जो कि हिडन बीम्स का यूज़फुल है आपको। तो गाइस वीडियो एंडिंग तक देखना, क्योंकि एंड में आपको मैं ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ साइट इंजीनियर के बारे में, जो कि आपके लिए एज अ साइट इंजीनियर यूज़फुल होगी। उसमें होगा कोई भी फैक्ट जो कि साइट इंजीनियर के बारे में हो, उसमें हो सकता है एनकरेज बार हो, हमारा कैंटिलीवर्स आपके डिज़ाइनिंग के बारे में हो, या फिर हमारा जो भी L/4 L/7 का सपोर्ट हुआ है उसके बारे में हो, जो कि हमारे रिंग से उसके बारे में हो सकता है, और हिडन बीम से जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्ट है हमारे उसके बारे में हो सकता है। उसके बाद होता है स्लैब के बारे में, बीम्स के बारे में, कॉलम्स के बारे में, लैपिंग के बारे में, गट एलिमेंट के बारे में। तो गाइस वीडियो एंडिंग तक देखना और ऐसे वीडियो को लाइक शेयर एंड सपोर्ट करना गाइस। तो गाइस हमारा अगला बीम है 143 एंड 144 के बारे में देखेंगे, वहाँ पर ड्राइंग में देख सकते हो आप 143 144, यहाँ पर है जो 143 ए वाला, 142 ओके ए वाला बीम्स, और बीच में हमारे हिडन बीम्स है देख सकते हो B57 और B40। देखेंगे 143 एंड 142 के बारे में, यहाँ पर लिखा है 143 142 143 230x600 का बीम है, 16 mm के 2 बार है, और टॉप में हमारे 10 mm के 2 बार है, बाकी स्टीरअप बोर है तो 150 mm सेंटर टू सेंटर, 8 mm 5 बार, टू लेग स्टीरअप्स। तो एज अ साइट इंजीनियर आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये जो बीम है 143 142 में, यहाँ पर हिडन बीम दिए, हिडन बीम दिए क्योंकि उसके ऊपर सपोर्ट होगा कुछ B40 और B57 के पास, इसलिए वो हिडन बीम्स आपको देने हैं साइड पे, ओके। और 143 143 इसका वो जो मेन बीम है उसके ऊपर रेस्ट किए, देख सकते हो आप यहाँ मेन कॉलम पे जो बीम गया है उसके ऊपर रेस्ट किए वो बीम्स। इसका अगर सेक्शन देखा जाए तो मेन सेक्शन होगा इसका बीम के बारे में, ये देखिए टिपिकल सेक्शन ऑफ बीम टॉप एंड बॉटम, ओके। जो भी हमारा मेन कॉलम है, यानी कि आप कंसीडर कर सकते हो यहाँ पर ए वाला कॉलम और ए वाला कॉलम, इसमें बीच में हमने हमारा ए बीम है, इस तरह आपको ये बीम डिज़ाइन करना है गाइस। तो गाइस मैंने कहा था वीडियो एंडिंग तक देखना है, एंडिंग में मैं आपको ऐसी ट्रिक्स ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ साइट इंजीनियर के लिए, जो कि आपको लाइफ टाइम यूज़फुल रहेगी। तो आज की ट्रिक है गाइस, ये जो हमारा आप जानते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी बीम्स पढ़ा होगा आपने किताब में कभी स्कूल कॉलेज में आपके, तो जो हमारा प्राइमरी बीम्स होता है वो देखते हैं आप, ये देखो है हमारा प्राइमरी बीम्स है जो कॉलम टू कॉलम कनेक्ट है, ओके ए प्राइमरी, उसके बाद
जो बीम के ऊपर बीम सपोर्टिव हुए हमारे सेकेंडरी बीम्स। ओके ये हुआ हमारा, यानी कि कॉलम का सपोर्ट नहीं है उसके पास, ये हुआ हमारा सेकेंडरी बीम्स, ये भी हमारा सेकेंडरी बीम्स हुआ। ओके और जो बीच में आता है, जो भी बीम के ऊपर है, ये बीम के ऊपर ये बीम और ये दो मुख बीम के ऊपर ये बीम, ये वो होता है हमारा टर्शियरी बीम्स। इस साइड में भी देख सकते हो आप, जो कि हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बीम्स क्या होता है। ये तो हमारा हुआ हमारा कॉलम टू कॉलम वाला प्राइमरी बीम्स, ये भी हुआ हमारा प्राइमरी बीम्स। ओके ये जो हम हुआ हमारा सेकेंडरी बीम्स, जो कि कॉलम पे कनेक्ट नहीं है, कनेक्शन नहीं है कॉलम के ऊपर, ये भी हमारा हुआ सेकेंडरी बीम्स, ये भी हमारा हुआ सेकेंडरी बीम्स। क्योंकि एक मेन कॉलम है हमारा, मेन बीम है हमारा, इसलिए हो ये हुआ सेकेंडरी बीम्स, ये हमारा सेकेंडरी बीम्स हुआ। और जो हिडन बीम्स है हमारी, वो हुआ हो सकता है हमारा टर्शियरी बीम्स। ओके जो हिडन बीम्स है वो हुआ हमारा टर्शियरी बीम्स। तो ऐसा कंसेप्ट है जो कि लोडिंग के ऊपर, इसका लोड ये बीम के ऊपर जाएगा और ये मिडल वाले बीम का लोड इस बीम के ऊपर जाएगा, और ये बीम के तरफ से ये लोड पूरा कॉलम के ऊपर जाएगा और नीचे फाउंडेशन तक जाएगा ऐसे ही करके। तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा और मैंने बताई वाली ट्रिक्स और टिप्स अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो गाइस। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन करो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। तो गाइस ऐसे ही सपोर्ट करना, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत चैनल ग्रो करेगा गाइस। और वैसे ही ऐसे टेक्निकल टर्म्स और थंब रूल्स आपको बताने वाला हूँ और आने वाले वीडियोस में। तो मिलते हैं जल्दी आने वाले वीडियोस में, जो कि इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर सपोर्ट। तो गाइस आप एक सिविल इंजीनियर हो, एक डिप्लोमा इंजीनियर हो, एज अ जॉब करते हो साइट इंजीनियर या फिर डिज़ाइन इंजीनियर या फिर एज अ सीनियर साइट इंजीनियर, तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ गाइस। जो कि डिज़ाइन के बारे में, आपने आर्किटेक्चर और आरसीसी ड्राइंग्स के बारे में, उसमें उसके साथ में जो भी आपको थंब रूल्स बताता हूँ गाइस, वो आपको साइट पर ज़रूरी काम आएंगे गाइस, यूज़फुल रहेंगे गाइस आपके डेली लाइफ में। तो गाइस इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करो गाइस, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं गाइस। आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।